वेलकम टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू श्री राव साहब दानवे बीजेपी प्रदेश प्रेसिडेंट कर्टसी इंडिया नोट। सर हाउ यू एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स? मैं ऐसा कोई सोच समझकर पॉलिटिक्स में नहीं आया। जब इमरजेंसी आई तो इमरजेंसी के खिलाफ कई संगठनों ने उस समय विरोध किया। तो जब मैं स्टूडेंट था तो इमरजेंसी के खिलाफ काम करने वाले जो भी कोई संगठन थे उसमें एक स्कूल के नौजवान, कॉलेज के नौजवान, ये भी इमरजेंसी के खिलाफ थे। और उस सिलसिले से हम सरकार का उस समय हमने विरोध किया और इमरजेंसी में ही 77 की चुनाव डिक्लेयर हुए और सरकार के खिलाफ तो रोष था ही, हमने सरकार के खिलाफ तो काम किया ही था। और फिर जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी का प्रचार हमने करना शुरू कर दिया। ऐसे ही राजकारण में फिर जनता पार्टी के पक्ष में हम गए और जनता पार्टी में हम गए। आप राजनीति में किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? एक्चुअली जिस समय मैं पार्टी में आया था उस समय तो दौर चल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, मुरली मनोहर जोशी, इनका दौर चल रहा था और हमारी उन पर पूरी श्रद्धा थी। उनके कार्यक्रम देखने के लिए मैं हमेशा जाता था। महाराष्ट्र में उस समय हमारे साथ वसंतराव जी भागवत, उत्तमराव पाटिल, प्रमोद जी महाजन, गोपीनाथराव मुंडे, ये हमारी पहली की टीम थी। इनको देखकर हमने राजकारण में काम करना शुरू कर दिया। आप केंद्रीय राज्य मंत्री होने के बावजूद भी राज्य में प्रदेश अध्यक्ष पद लेना उचित समझा, इसके पीछे क्या कारण? ऐसा कुछ कारण नहीं होता है। एक तो राजकारण में किसी को कब क्या पद मिलेगा ये सोचने से भी नहीं मिलता, बोलने से भी नहीं मिलता और मुझे कोई भी पद मिलने की इच्छा रही तो इच्छा रखने से भी नहीं मिलता। जैसा जैसा समय आया वो समय के हिसाब से चलना होता है। जब मैं गांव का सरपंच था तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं पंचायत समिति का सभापति बनूं, लेकिन मैं सभापति बन गया। लेकिन सभापति जब बन गया तो मुझे नहीं पता था कि मैं एमएलए बनूंगा, लेकिन फिर मैं एमएलए भी बन गया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैं एमपी बनूंगा, पर मैं एमपी भी बन गया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैं सेंट्रल में मंत्री बनूंगा, लेकिन मैं मंत्री भी बन गया। और इसके बाद मुझे फिर अध्यक्ष बनना, ये मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। जिस पार्टी में मैं बचपन से काम कर रहा था, मेरे गांव का अध्यक्ष था, मेरे तालुके का था, मैं जिले का अध्यक्ष था और मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना। मेरे नेतृत्व ने मंत्री पद से भी ज्यादा विश्वास मुझे अध्यक्ष बनने के लिए डाला, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तो इसकी कोई कारण नहीं है, नेतृत्व ने बोला कि आपको अध्यक्ष बनना है, मैं अध्यक्ष बन गया। दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे भाई ऐसा है कि पहली बार एक साल के लिए मैं अध्यक्ष बना क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी फडणवीस वो अध्यक्ष थे, वो मुख्यमंत्री बन गए, पद तो पार्टी में खाली नहीं रखा जा सकता। एक साल के लिए मुझे यहाँ पर नियुक्त किया गया। एक साल में जितनी भी जिम्मेदारियां मुझ पर दी गई थी वो पूरी जिम्मेदारियां मैंने निभाई। 1 करोड़ मेंबरशिप बनानी थी, मैंने 1 करोड़ मेंबरशिप बनाई। मैंने 700 जगह पे प्रशिक्षण और लिए, 1 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, महासंपर्क अभियान चलाया। इसके बाद हर जिले में 36 में से 34 जिले में मैं जाके आया, उसमें से 75% जिले में मैं मुकाम करके आया। जो जो टारगेट पार्टी ने दिया था पूरी जी जान लगा के मैंने काम किया और इसलिए नेतृत्व को लगा कि भाई साल भर में अगर ये आदमी इतना घूम फिर कर पार्टी का काम बढ़ा सकता है तो इसको क्यों ना दोबारा दिया जाए। और आखिरी पॉलिटिकल पार्टी का तो उद्देश्य ये होता है कि उसके समय में कितनी पार्टी की चुनाव जीते और कितने हारे। तो पहला मेरे समय में नांदेड़ में हमारी पार्टी का विधायक नहीं रहे थे मुखेड़ का, वो चुनाव आया तो हमने जीत लिया। पालघर जिला परिषद का चुनाव आया हमने जीत लिया, महापालिका संभाजनगर का चुनाव आया हमने जीत लिया, ऐसे चुनाव भी जीते। केवल नई मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र में जो भी चुनाव हुए हमने सारे चुनाव पे अच्छी तरह से जीत हासिल की।
इसलिए चुनाव भी एक मापदंड होता है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि पहले से काफी मुझे अच्छा लगता है, और इसके बाद अभी मेरे सामने महाराष्ट्र में जो जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं, महापालिका के चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव हमारा लक्ष्य है। आपके एक कमेंट में उद्धव ठाकरे ने कमेंट लिया था, आपने बोला था कि बीजेपी का झंडा महानगर पालिका की बिल्डिंग के ऊपर लहराएगा, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, राजकारण में तो पतंगबाजी चलती है। अब कोई प्रेस वाला मेरे सामने आता है, पार्टी प्रेसिडेंट में चुनने के दिन मुझे पूछता है कि अगला एजेंडा अपना क्या है, तो हमारे सामने तो मुंबई महापालिका का चुनाव है, और मैं पार्टी अध्यक्ष के नाते तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने की बात नहीं करता, तो इसका मतलब मुझमें कोई कमी है। और मैं आज भी बोलता हूं, ये तो हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा है। लेकिन मेरे ये बोलने पे अगर कोई आदमी कमेंट करता है तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने तो कमेंट किया, बराबर है, कमेंट किया उन्होंने। आपको क्या लगता है कि भाजपा शिवसेना अपना कार्यकाल 5 साल पूरा करेंगे? बिल्कुल 5 साल पूरा करेंगी, क्योंकि भाजपा और सेना मिला के पूरा बहुमत हमारे पास है। कई मुद्दे पे दोनों पार्टियों में एक दूसरे के टकराव देखा गया है। ये टकराव आज नहीं है, हमने 95 में जब सरकार चलाई थी उस समय भी हमारा टकराव था ही, और आज भी कई मुद्दे पे हमारे टकराव है। यू आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल कंप्लीट द टेन्योर? आज भी हमारे कोई टकराव है, और आप जानते होंगे कि हम आखिर दो पार्टियां हैं, हमारा एक एजेंडा है, उनका एक एजेंडा है। कुछ बातें बाजू में रखकर हम दोनों साथ आके हम हमारा चुनाव का तालमेल बिठाते हैं, लेकिन आजकल जरा उनका जो चल रहा है तो उनका एजेंडा ज्यादा चलाने की कोशिश वो करते, लेकिन ये सरकार चलाना एक कसरत होती है, फिर भी हम सरकार चला रहे हैं। लेकिन पार्टी के नाते वो उनका काम करते, पार्टी के नाते है वो हम हमारा काम करते, लेकिन सरकार दोनों मिला के अच्छी तरह से चलाते हैं। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में क्या बीजेपी शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एक साल चुनाव बाकी है अभी, और कोई भी पार्टी एक साल पहले चुनाव की रणनीति तय नहीं करती, जैसा समय आया वैसा खेल खेलना होता है। राजनीति के पत्ते साल भर पहले खोल दिए तो कौन रानी और कौन बादशाह समझ में भी नहीं आएगा, उस समय बताएंगे। ओके, अपोजिशन ने हमेशा ये मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मोदी जी की सरकार जो है सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है, इसके बारे में आप क्या? मुझे ये बताओ कि इंदिरा जी ने एक चुनाव जीता था 72 का, गरीबी हटाओ का नारा लगाया था, या किसकी गरीबी हटाई? लेकिन हमारा नारा तो गरीबी हटाओ का नहीं था, लेकिन गरीबों के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। अटल पेंशन योजना हमने गरीबों के लिए लाया, और हमने 12 रुपए भरो 12 महीने के, एक महीने को 1 रुपया, 2.5 लाख रुपए मिलेंगे गरीब को अगर कोई दगा फटका हो गया तो। बीमा योजना ये क्या गरीबों के लिए नहीं है? जनधन योजना ये क्या पूंजीपतियों की है? जनधन योजना, अरे जनधन योजना लो, अटल पेंशन योजना लो, ये गरीबों के लिए नहीं है। पहला किसान 100 रुपए को 15 रुपए देकर इंश्योरेंस निकलता था उसके फसल का, आज तो मोदी जी की सरकार ने केवल 15 रुपए की जगह पे 1.5 रुपए में इंश्योरेंस निकालना शुरू कर दिया है, ये क्या गरीबों के लिए नहीं है? जहां किसान आत्महत्या कर रहे ऐसे 14 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए महाराष्ट्र में, और किसान अगर है तो 7 बार लेके जाओ, और वहां से 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल लेके जाओ, ये क्या पूंजीपतियों के लिए है? लेकिन जो पूंजीपति की बात करते हैं, सही में पूंजीपतियों के लिए उन्होंने किया है, इन्होंने तो किसको किसको बड़ा किया बताओ? कोयला खान किसको किसने लिए? अरे फुकट में कोयला खान दिए कैसे? ये क्या गरीब देगा? कोयला खान लेने वाले गरीब थे क्या? 2G स्पेक्ट्रम लेने वाले गरीब थे क्या?
अरे सही तो पूंजीपतियों की सरकार ये थी, हमारी तो आम आदमी की सरकार है। आरोप लगाने वाले गलत आरोप लगाते हैं। अब तुम मेरे आ गए उसको उछालते। अच्छा अभी कुछ समय पहले आपके एमपी गोपाल शेट्टी जी ने फार्मर सोसाइटी पे बोला था कि दिस इज अ पैसन ट्रेन, खाली कमेंट आ रहे। ऐसा है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तरुण बोर्ड की उनकी बात रखी गई। भाषण करते समय में पूरा छापना चाहिए कि उन्होंने पहले से आखिर तक क्या छापा। थोड़ा सा एक सेंटेंस छापकर उतना ही बताते, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने किसानों के हित में जो बातें कही वो कहा छापी, लेकिन किसानों को बोलते बोलते उतना जो सेंटेंस आया उतना ही छपा कि उनके नाम पे चला दिया, फिर भी उन्होंने माफी मांगी। मुझे ऐसा लगता है कि गोपाल शेट्टी बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है, किसानों के बारे में उनको बहुत ही अच्छी मालूम थी, वो कभी ऐसा नहीं बोल सकता। अभी यवतमाल में किसान, हमारे महाराष्ट्र यवतमाल में बीजेपी पार्टी से इतने नाराज क्यों है? देखिए भाई, कौन से पार्टी से कौन नाराज है इसका मूल्यमापन करने का तरीका क्या है? मुझे लगता है कि चुनाव, कोई भी चुनाव हारा तो वो समझना कि किसान नाराज है, और कोई भी चुनाव जीता तो समझना कि किसान खुश है। अभी 5000 ग्राम पंचायत के चुनाव गए, अकेली बीजेपी ने 2200 नगर ग्राम पंचायत में चुनाव जीते अकेली बीजेपी ने, और बाकी सब पार्टियां बाकी रहे आंकड़े उन्होंने ले लिए, लेकिन अकेली बीजेपी ने। निवडणूक आयोग की तुम समरी देखो, नगर पंचायत के चुनाव हुए सबसे बड़ी पार्टी बोल के महाराष्ट्र में उभर कर आई बीजेपी। केवल लास्ट में जो 18 वर्षीय चुनाव हुए उसमें से हमारी थोड़ी पीछे हो गई, इतना अगर छोड़ा तो हमने 9 मेंबर थे हमारे कल्याण डोंबिवली में तो हमारे 42 हो गए। पालघर जिला परिषद हमने जीती, औरंगाबाद जिला परिषद हमने जीती, मुखेड़ जिला परिषद हमने जीती, एक बंबई नई मुंबई छोड़कर हमने सारी जगह पे हमने चुनाव जीते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसान हमसे नाराज नहीं है। अच्छा अभी कुछ दिन पहले एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मोदी जी के ऊपर बोला था, मोदी नीड्स एन इवेंट एवरी 2 मंथ्स, ही इज स्टिल इन लव विद गुजरात, ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क, नो वर्क हैज टेकन प्लेस, व्हाट इज योर कमेंट ऑन दिस? हर 2 महीने में बयान उनका ऐसा आता ही है। और अगर ऐसा बयान कोई न दे, कोई भी राजकीय राज ठाकरे छोड़ दो, अगर कोई पार्टी न दे तो पार्टी नहीं ऐसा लोगों को लगेगा। इसलिए बड़े आदमी पे हमला करके अपना नाम सुर्खियों में रखना तो कुछ लोगों की आदत है, वैसा ही खेल। लेकिन मोदी जो आज कर रहे हैं दुनिया देख रही है, आज हमारे देश का नाम इतना धुलिन हो गया था कि अपना प्रधानमंत्री कब जाता था और कब आता था इसकी दखल भी कोई लेता था नहीं, लेकिन अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए 20,000 रुपए का टिकट निकाल के वहां जगह नहीं मिली लोगों को, ये तो नाम कमा लिया दुनिया भर में, तो नाम कमा लिया और तुम्हारी इज्जत तो बढ़ गई दुनिया भर में। और ऐसा नहीं है, तुम प्रेस वाले बोलते कि मनमोहन सिंह नहीं जाते थे इतने जा रहे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, 5 दौरों का फर्क है, 5 दौरों का। मनमोहन सिंह से इन्होंने केवल 5 दौरे ज्यादा किए, लेकिन वो कब जाते थे कब आते थे पता नहीं। इनका हर दौरा सुर्खियों में है क्योंकि लोग भारत देश के लोग रास्ता देखते, चाइना गए तो ऑफिस को छुट्टी ले ली लोगों ने, तो ये काम नहीं होता तो कोई जाता नहीं। भैया मेक इन इंडिया अभी कार्यक्रम हुआ, मेक इन इंडिया में कितने देश के लोग आए, 50 देशों के लोग आए, 5-6 देश के प्रधानमंत्री आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का काम सही रास्ते पे चल रहा है। और अभी हमारे पास 3.5 साल है, 3.5 साल में और कई गुना ज्यादा हम पीएम से स्कीम मेक इन इंडिया, आपको क्या लगा मेक इन इंडिया से देश में किस तरीके का डेवलपमेंट पड़ेगा? ये देखिए, इस देश में पहला काम तो है उद्योग नहीं आ रहे थे बाहर से, पैसा लगाने वाला कोई हिम्मत ही नहीं करता था। इस देश में अगर पैसा लगाओ तो इस देश में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, ऐसा एक माहौल इस देश में बन गया था। 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, यूरिया घोटाला, एक से एक बड़े स्कैम हुए थे।
लेकिन मोदी जी ने सारी दुनिया घूम फिर कर लोगों को विश्वास दिलाया कि आओ इंडिया में, लगाओ पैसा, हम तुम्हारे साथ हैं, और लोगों को विश्वास हुआ और आज दुनिया के कई कारोबारी अपने देश में आके फैक्ट्रियां चलाना चाहते हैं, सरकार उसको फैसिलिटी देना चाहती है, और वो लोग आए यहाँ पर, पूंजी लगाई, फैक्ट्रियां खुली, तो हमारे देश के नौजवानों को वहां पर नौकरियां मिलेगी। अगर नौकरियां मिलेगी तो देश तरक्की करेगा और हमारे जो बेकारी है वो दूर हो जाएगी। तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में क्या फर्क आपको नजर आता है? ऐसा है, ये तो शब्द है, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, इसमें क्या फर्क है आप बताओ मुझे, अगर आपको पता है तो। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, हमारा मानना यह है कि मेक इन इंडिया, कई लोगों को हमने यहाँ बुलाया है, और इंडिया ने कौन सी पॉलिसी तुम्हारे लिए खोल दी है, 50 विंडो थी पहले कि जहां से परमिशन निकाल के फिर फैक्ट्री डाली जाती थी, हमने आधे से ज्यादा कम कर दिया उनको, जमीन नहीं मिलती थी हमने जमीन का वादा किया उनको, यहाँ लेबर का वादा किया हमने, बिजली का वादा किया है हमने, आओ और यहाँ लगाओ, और आने के बाद हम तुम सरकार खोल के तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे, तो उसको हम मेक इन इंडिया बोलते हैं। मेक इन इंडिया हुआ तो मेड इन इंडिया होगा, ये तो उसका अर्थ होता है। आपको नहीं लगता सर, जो हमारे ऑलरेडी यूनिट चल रही है हमारे देश में, जो प्रोडक्ट निकलती है मेड इन इंडिया करके, बट बहुत सारे प्रोडक्ट में हम अंतरराष्ट्रीय मापदंड में खड़े नहीं उतर पाते, क्योंकि उनमें बहुत सारा हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी ला के और उसको एक इंटरनेशनल मापदंड के तौर पर प्रोड्यूस करना, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है बजाय कि मेक इन इंडिया की मार्केटिंग किया जाए। ऐसा है कि देश लोकशाही देश है, ये हुकुमशाह नहीं है। आप जानते होंगे कि चाइना ने कई दिन पहले इस दुनिया का लीडर होने की इच्छा रखी थी, मार्केटिंग का लीडर हम बनेंगे, दुनिया भर के सब उद्योगपतियों को बुलाया और बिठाया सामने सरकार ने, और उनको बोला क्या चाहिए और कितना चाहिए, तुम हमसे मांगो, सरकार तुम्हारे साथ है, लेकिन हमारे यहाँ आके तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, फैक्ट्री बढ़ाओ। दुनिया के कई फैक्ट्रियों ने, उद्योगपतियों ने वहां फैक्ट्री लगाई, लेकिन कितना होना और क्या होना ये कौन बोल सकता है? केवल हुकुमशाही बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता। और इतनी लोकशाही चाइना में नहीं है, बोलने की लोकशाही है। अरे आपने यहां तो स्मार्ट सिटी बना रहे, हम उसको भी तो विरोध कर रहे हैं। हाँ क्या चाहिए? रस्ते के लिए जगह मत लो, 1-1 किलोमीटर